एग्जाम्पल ते अज आपां पढ़न जा रहे हां पंजाब बार्ड अटेंडेंट दे लई टॉप 30 एमसीक्यूज। लो स्टार्ट करते हैं जी, सारे क्वेश्चंस जिहड़े आ बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट आ। लो स्टार्ट करते फस्ट क्वेश्चन दे उपरों। फस्ट क्वेश्चन हैगा जी, सोडियम धातु किस विच रखी जाती है? ऑप्शन सीगियां पेट्रोल, अलकोहल, कैरोसीन जां फिर पानी। राइट आंसर सीगा जी कैरोसीन। जिहड़ी सोडियम धातु आ उह कैरोसीन दे विच रखी जाती है। कैरोसीन मिट्टी या तेल भी आपां पैंदे आ। नैक्सट क्वेश्चन, मनुख दे शरीर दा सब तो सख्त अंग केड़ा है? ऑप्शन सीगियां जी खोफड़ी, खोपड़ी, दंदां दी झाल जिहनूं इनेमल बोलदे आ, हड्डियां जां छाती दीआं हड्डियां दा ढांचा। राइट आंसर हैगा जी दंदां दी झाल, इनेमल हुंदी आ जिहड़ी वाइट कलर दी हुंदी आ, दंदां दे उत्ते जिहड़ी अपनी झाल हुंदी आ उहनूं इनेमल बोलदे आ, सब तो सख्त हुंदी आ। नैक्सट क्वेश्चन, टाइटन है शनि दा चन्न, उपमहाद्वीप, पहला बनावटी उपग्रह जां बृहस्पति दा चन्न। राइट आंसर हैगा जी शनि दा चन्न। नैक्सट क्वेश्चन, बालां विच सिकरी होना एक आम समस्या है जिहड़ी असल विच कमी दे कारण होण वाला एक रोग है जिस विच चमड़ी दीआं कोशिकावां समें तों पहलां ही मर जांदीआं हन। सैकेंड ऑप्शन हैगी आ घट तेल लगाउण करके चमड़ी दा रोग है, अनुवंशिक रोग है जिसके कारण कोशिकावां छेती मर जांदीआं हन, जां आहार पाचन दी जमांदरू समस्या है जिसके कारण कोशिकावां मर जांदीआं हन। कहिंदे जिहड़ी बालां दे विच सिकरी हुंदी आ उह इक आम समस्या है, जिहड़ी असल विच की कारण की है उहदा। जिहड़ा राइट आंसर सीगा जी कमी दे कारण होण वाला एक रोग आ जिहड़ी सिकरी बालां दे विच डेंड्रफ जिहनूं बोलदे आ, एक आम रोग हैगा जिहड़ा बालां दे विच कमी दे कारण हो जांदा जिस विच चमड़ी दीआं कोशिकावां समें तों पहलां ही मर जांदीआं हन। नैक्सट क्वेश्चन पढ़दे आ, निष्कीटन दी विधि है? ऑप्शन सीगियां जी रेफ्रिजरेशन, उबालना, पूर्व निर्धारित समय लई तरल पदार्थ नूं ठंडा करना ते गर्म करना, जां निश्चित समय लई गर्म करना ते बाद विच ठंडा करना। इहदा जिहड़ा राइट आंसर सीगा जी निश्चित समय लई गर्म करना ते बाद विच ठंडा करना। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्राथमिक चिकित्सा जिन्हों आप फर्स्ट एड बोलते हैं की है? ऑप्शन सी जी प्राथमिक निरीक्षण पूरा करना, दुर्घटनाग्रस्त नूं दित्ती गई पहली मदद, बीमार दे महत्वपूर्ण लक्षण नूं आंकना, जां सदमे दे शिकार दा इलाज। इहदा जिहड़ा राइट आंसर सीगा जी दुर्घटनाग्रस्त नूं दित्ती गई पहली मदद। दोस्तों जेकर तुसीं साडे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो ते बैल आइकन दे उपर भी क्लिक कर दिओ तां जो नैक्सट आउण वाली वीडियोज़ दी अपडेट तुहानूं सब तों पहलां मिल सके। होर भी आपां क्वेश्चन्स जिहड़ियां आपणियां मनुखी ह्यूमन बॉडी दे उपर, ह्यूमन हार्ट दे उपर, ह्यूमन आईज़ दे उपर वीडियोज़ बनाईआं होईआं तुसीं अपने चैनल दे उपर जाके देख सकदे आ, जां प्लेलिस्ट दे विच वी जा सकदे आ। वीडियो दे लास्ट दे विच प्लेलिस्ट जिहड़ी आ तुहानूं दस दांगे। लो स्टार्ट करदे नैक्सट क्वेश्चन जिहड़ा आपणा, हेठ लिखियां विचों केड़ी धातु कमरे दे तापमान ते तरल ही रहिंदी है? ये भी क्वेश्चन जिहड़ा बहुत ही इंपोर्टेंट हैगा आ, कई एग्जाम्स दे विच आया होया। ऑप्शन सीगे जी फास्फोरस, ब्रोमाइन, क्लोरीन जां हीलियम। द राइट आंसर हैगा जी ब्रोमाइन। ब्रोमाइन एक अजिही धातु आ जिहड़ी कमरे दे तापमान ते भी जिहड़ी आ तरल ही रहिंदी आ। नैक्सट क्वेश्चन पढ़दे आ, धरती ते दिन रात होण दा कारण है? ऑप्शन है जी गोलाकार आकृति, धुरी अपने ग्रह पथ वल झुकिया होना, अपनी धुरी ते घूमना, जां सूरज दे चारों पासे एक चक्कर लगा सूरज दे चारों पासे चक्कर लगाना। राइट आंसर हैगा जी अपनी धुरी ते ही घूमना। धरती ते दिन रात होने का कारण यह है कि आ धरती जी अपनी धुरी ते ही घूमती है। ऑप्शन नैक्सट क्वेश्चन सॉरी, साढ़े सौर मंडल विच केड़ा इकला ग्रह है जिसनों धरती की भैन भी कहा जाता है? ऑप्शन है जी मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। द राइट आंसर है जी शुक्र। शुक्र नूं जिहड़ा शाम का तारा भी कहा जाता है, ईवनिंग स्टार भी बोलते हैं इनू, इस करके ध्यान नाल क्वेश्चन पढ़ लो। साढ़े जिहड़ा सौर मंडल दे विच इकला ग्रह जिसनों धरती की भैन भी कहा जाता है किहड़ा जी शुक्र। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ते हैं, कोणी विच किहड़ा जोड़ हुंदा है? ऑप्शन सी जी शाल एंड सॉकट, हिंज जोड़, फिक्स जोड़ जां पिवोटल जोड़। इहदा राइट आंसर हैगा जी
हिंज जोड़। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ते हैं, हेठां दर्ज किहड़ा प्रदूषक गड्डियां दी एग्जॉस्ट निकासी विच नहीं हुंदा। ऑप्शन है जी शीशा, अमोनिया, सीओ जां नाइट्रोजन। इहदा राइट आंसर हैगा जी अमोनिया। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ते हैं, मच्छरां विच पोषण दी विधि है। ऑप्शन सी क्या जी सबपोशी पोषण, परजीवी पोषण, सैप्रोफाइटिक पोषण या हैटरोरोफिक जिन्हों परपोशी पोषण भी बोलते हैं आपां। इहदा राइट आंसर हैगा जी परजीवी पोषण। सैकेंड ऑप्शन जिहड़ी हैगी आ बिल्कुल राइट आ परजीवी पोषण। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट चर्बी अते प्रोटीन दा पूर्ण पाचन इस दे विच हुंदा है। ऑप्शन है जी पेट दे विच, जिगर दे विच, छोटी आंतड़ियां दे विच जां गुर्दे दे विच। इहदा राइट आंसर हैगा जी छोटी आंतड़ियां दे विच कार्बोहाइड्रेट चर्बी ते प्रोटीन दा पूर्ण जिहड़ा पाचन हुंदा है। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ते हैं, हेठां दित्ती गई किहड़ी स्थिति पानी दे भाफ बनन दी दर विच वाधा करदी है। कहिंदे पानी जिहड़ा आ भाफ कदों बनदा आ। ऑप्शन है जी देखो पानी दे तापमान विच वाधा होना जां पानी दे घट खुली हुई सतह जां वातावरण विच नमी दा वधना जां हवा दी गति विच वाधा। इहदा राइट आंसर आपां सबनूं पता बहुत ईजी क्वेश्चन हैगा कि जदों भी पानी दे तापमान विच वाधा करदे आ आपां जां पानी नूं उबालदे आ तां पानी दी जिहड़ी भाफ बनदी आ। नैक्सट क्वेश्चन पढ़दे आ, अंधरात्ता जिहनूं रतौंदी भी बोलदे आ दे मरीज नूं की खाण दी सलाह दित्ती जांदी है। ऑप्शन हैगी जी शक्करगंदी, केला, अनानास जां उपरोक्त विचों कोई नहीं। इहदा राइट आंसर हैगा जी शक्करगंदी। जिहड़ा अंधराते दा मरीज हुंदा उसनूं शक्करगंदी खाण दी सलाह दित्ती जांदी आ। नैक्सट क्वेश्चन पढ़दे आ, मनुखी शरीर विच सब तों वड्डा आहार पाचक जां मैटाबोलिक अंग किहड़ा है। ऑप्शन हैगी जी दिल, पेट, दिमाग जां फिर जिगर। इहदा राइट आंसर हैगा जी जिगर। नैक्सट क्वेश्चन पढ़दे आ, मनुखी शरीर दे किस अंग नू रिजर्व ब्लड बैंक कहा जाता है। ऑप्शन है जी तिल्ली जां जिन्हों स्पलीन भी बोलते हैं, अग्नाशय, पिताशय जां जिगर। इहदा राइट आंसर हैगा जी तिल्ली। तिल्ली नू जिहड़ा रिजर्व ब्लड बैंक भी कहा जाता है। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ते हैं, अनीमिया की बीमारी किस की कमी के नाल होती है। ऑप्शन हैगा जी लोहा, विटामिन दोनों ए एंड बी जां इन्हां विचों कोई नहीं। इहदा राइट आंसर हैगा जी आयरन की कमी के कारण हो जाती है। ज़्यादातर ये जिहड़ी बीमारी आ ये खून की कमी के करके होंदी आ, जां लोहे दी लोहा जिहड़ा आ लोहा खून की कमी पूरा, आयरन जिहड़ा खून की कमी पूरा करता, इस करके आयरन की कमी के कारण हो जाती है। नैक्सट क्वेश्चन, हेठां लिखियां विचों किहड़ा खून का एक सेल नहीं है। प्लेटलेट्स, WBC, RBC जां पल्मोनरी। प्लेटलेट्स भी खून दे विच एक सैल हैगा आ, WBC का मतलब हैगा वाइट ब्लड सैल, RBC का मतलब हैगा रैड ब्लड सैल, लास्ट ऑप्शन जिहड़ी हैगी पल्मोनरी इहदा राइट आंसर हैगा कि एक खून का एक सैल नहीं है। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ते हैं, मनुखी दिल के किन्ने भाग होंदे हन। ऑप्शन हैगी जी 2, 3, 4 जां 5। इहदा राइट आंसर हैगा जी 4। ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਥਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਲ ਦਾ 80 ਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਲ ਦਾ 220 ਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨੋਂ ਸਹੀ ਹਨ। ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹਾਰਟ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਥਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਨ। ਜਿਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨੋਂ ਸਹੀ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਡੱਡੂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ 2, 3, 4 ਜਾਂ ਫਿਰ 5। ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 3। ਡੱਡੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਆ ਉਹ 3 ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਮਨੀਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁੱਧ ਖੂਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ,
अशुद्ध खून भेजना, उपरोक्त दोनों, जां खून नू नियंत्रण करना। इहदा राइट आंसर हैगा जी शुद्ध खून नू भेजना, जिहड़ा साफ खून आ उहनू भेजना। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ते हैं, नक विचों वग रहे खून नू रोकण लई की करना चाहिए है? जेकर किसी व्यक्ति के नक विचों खून वग रहा तो आपां नू की करना चाहिए? ऑप्शन हैगी इंतजार करोगे जदों तक खून रुकना जाए। सैकेंड ऑप्शन हैगी उस दे नक विच रूई पा देवोंगे। सैकेंड हैगी नक नू हल्का जिहा दबाओगे। जां लास्ट ऑप्शन हैगी सी कि नक विच पानी पा के खून बंद करोगे। इहदा जिहड़ा राइट आंसर हैगा जी नक नू हल्का जिहा दबाओगे। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ते हैं, खून का दबाव किस नाल मापिया जाता है? ऑप्शन हैगी जी थर्मामीटर, स्वेगनोमीटर, लैटकोमीटर, जां इहनां विचों कोई नहीं। इहदा राइट आंसर हैगा जी सेफिग्नोमीटर जिहड़ा हैगा आ उहदे नाल आपां खून का दबाव जिहड़ा मापिया जाता है। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ते हैं, जदों मनुखी शरीर का खून का दाब 120 mmHg तो उपर हो जाता है तो उस प्रक्रिया नूं की कहा जाता है? ऑप्शन हैगी जी हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, हाइपरोटेंशन, जां इन्हां विचों कोई नहीं। इहदा जिहड़ा राइट आंसर हैगा जी हाइपरटेंशन। दोस्तों नैक्सट क्वेश्चन पढ़ते हैं, खून के दबाव नूं नियंत्रण करन वाला हारमोन किहड़ा है? ऑप्शन हैगीआं जी अपने कोलों थायरॉक्सिन, एड्रीनल, उपरोक्त दोनों, जां इन्हां विचों कोई नहीं। इहदा जिहड़ा राइट आंसर हैगा अपने कोलों जी उपरोक्त दोनों, थायरॉक्सिन ते एड्रीनल, दोनों ही जिहड़े खून का दबाव नूं नियंत्रण करन वाला हारमोन है। दोस्तों जेकर वीडियो वधिया लग रही तो वीडियो लाइक ते कमेंट करके जरूर दस्यो। जेकर किसी होर टॉपिक के उपर वीडियो चाहिए तो कमेंट बाय जरूर दस्यो, जल्दी बनाने की कोशिश करांगे। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ते हैं, एमरजेंसी पट्टी की गंढ कित्थे होनी चाहिए है? ऑप्शन हैगी जी हमेशा पट्टी के उत्ते, जख्म तो दूर, हमेशा जख्म के उपर, जख्म के नेड़े। इहदा जिहड़ा राइट आंसर हैगा जी जख्म तो दूर होनी चाहिए एमरजेंसी पट्टी की जिहड़ी गंढ है। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ते हैं, सैकेंड लास्ट क्वेश्चन है अपनी वीडियो का, मुढ़ली सहायता का उद्देश्य की है? सब तो पहला उपचार करना, जीवन नूं बचाना, हालात नूं गंभीर होण तो रोकना, जां उपरोक्त सारे। इहदा राइट आंसर हैगा जी उपरोक्त सारे। मुढ़ली सहायता का जिहड़ा उद्देश्य हैगा है ये सारे उद्देश्य जिहड़े है मुढ़ली सहायता दे हुंदे आ। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपां बहुत ज़्यादा खून वगण ते सब तो पहला की करना चाहिए है? ऑप्शन सीगियां जख्म नूं साफ कपड़े नाल ढक दिओ, मरीज़ नूं ऑक्सीजन दिओ, साफ कपड़े नाल हाथ नाल जख्म नूं दबा दिओ, जां जेकर मरीज होश विच है तां पानी पिलाओ। इहदा राइट आंसर हैगा जी आपां नूं की करना चाहिए, साफ कपड़ा लैके जख्म नूं जिहड़ा जिथे जख्म जिथों खून वग रहा उहनूं रोकना चाहिए, दबा पाउणा चाहिए कि जिहड़ा खून ज़्यादा बह ना सके। खून की कमी के नाल जिहड़ी आ व्यक्ति की मौत भी जा सकती है, इस करके सब तो पहला साफ कपड़े के नाल जिहड़ा जख्म नूं दबा दे के खून रोकना चाहिए बगण तो। दोस्तों धन्यवाद तुहाडा वीडियो देखने के लिए, तो जेकर वीडियो वधिया लगे तो वीडियो में लाइक ते कमेंट कर दिओ, तो चैनल सबसक्राइब करना ना भुल्यो, तो प्लेलिस्ट दे विच जा के तुसी होर वीडियोज़ देख सकते हैं ह्यूमन हार्ट के उपर, ह्यूमन बॉडी के उपर, या ह्यूमन हाई के उपर।